हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सप्लोर विद स्पून एंड स्नैप पावर्ड बाय वोयाज मोटर्स में। तो आज हम लोग लेके जाने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की ऑल न्यू हंटर 350। ये देख सकते हैं आप हंटर बाइक है और हम लेके जाने वाले हैं आज इसको डबोक की ओर। और हम वहाँ पर ट्राई करने वाले हैं एक ऐसा ढाबा जो कि बहुत ही कम फेमस है लेकिन वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं लेके इस बाइक को अपने हंट पे। अगर बात करें बाइक की तो रॉयल एनफील्ड की हंटर जो है वो सिंगल सिलेंडर 349 सीसी के इंजन से लैस दे 2 वेरिएंट्स और 8 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। और अगर प्राइस की बात करें तो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन मसाला दरबार जो कि है एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से जस्ट पहले वाला जो फ्लाईओवर है उससे सर्विस लेन में घुसना होगा और आप यहां पहुंच सकते हैं। आप लोकेशन देख सकते हैं, मसाला दरबार करके रेस्टोरेंट है। अगर जगह की बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छी सीटिंग है। और यहाँ पर हमें मिले यहाँ के ओनर धर्मेंद्र जी, जिन्होंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और जगह के बारे में थोड़ा हमको ब्रीफ दिया। आ गए हैं हमारे स्टार्टर्स, ये है पनीर टिक्का और ये है मंचूरियन। दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, अब खा के बताते हैं आपको कैसा होता है, ट्राई करते हैं। बहुत से एकदम प्रॉपर देसी टेस्ट है। तो आ चुका है हमारा खाना और अब हम इसको ट्राई करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हमने प्लेट जमा ली है, दाल ले ली है, पनीर ले लिया है, छोले ले लिए हैं और ये है हमारा चीज़ गार्लिक नान। ट्राई करके बताया, सबसे पहले दाल टेस्ट करूँगा। बहुत सही है, थोड़ा सा पनीर, पनीर एक नंबर, छोले भी जोरदार है एकदम। तो हम लोगों का खाना हो चुका है, खाना बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम सिंपल और ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा तेल नहीं, बट बिल्कुल बहुत बैलेंस खाना बोल सकते हैं, फ्लेवरफुल खाना बोल सकते हैं। खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया एकदम खा के। मतलब अभी खाने के बाद भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कुछ हैवी खा लिया हो या ज़्यादा मसालेदार खा लिया हो, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत था। सर यहाँ के ओनर है और शेफ भी है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में काम कर रखा है जैसा कि मैंने पहले बताया। थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया, अच्छा लगा। हम लोग रिकमेंड करेंगे हमारे जो नोन्स हैं उनको, हमारे फॉलोअर्स तक आपका जगह को पहुँचाएंगे, आप मतलब लोगों को बताएंगे आपकी जगह के बारे में कि यहाँ आए और काफ़ी अच्छा खाना ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो इनकी रेट्स है काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी प्रॉकेट फ्रेंडली है। तो अगर आप इतना दूर आते भी हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ज़्यादा खर्चा हो गया, मतलब बहुत अच्छा है, आ सकते हैं। और एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, आप पीछे एयरपोर्ट की मसाला दरबार नाम है। और बाकी हम बाइक किसकी लेके आए आपको पता ही है। तो जल्द मिलेंगे फिर से एक नई लोकेशन नए एपिसोड के साथ एक्सप्लोर विद स्पून एंड स्नैप में पावर्ड बाय वोयाज मोटर्स। बाय बाय।